जी मैं वी को लॉन्ग करूंगी और 450 पे एसएल लगाऊंगी जुलाई फ्यूचर्स पे और 470 एंड 75 के टारगेट्स रखूंगी ओके वेदांता 450 टू 95 पे लॉन्ग मानस आपका ट्रेड देखिए तो जीएनएफसी पे खरीदारी करेंगे डेली चार्ट पे रिवर्सल है 200 तो डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 20 में 28 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है तो जीएनएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे सात रुपए

Uh, जी मैम मैं डिफेंसिव के साथ जाऊंगा ब्रिटानिया uh, के साथ uh, का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है यहां पे स्टॉक uh, ने एक से दोस्ट किया था और वापस अपने टारगेट रहेंगे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड ओके ब्रिटानिया चौवन बहत्तर पे आपका बाय कॉल आ, सोनी जी आप क्या पिक करेंगे उतल... uh, यहाँ पे एस टी बी टी का ट्रेड रहेगा

और निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे एट फाइव टू टू सिक्स सिक्स साढ़े पाँच सौ एक नीचे अनुज इंडस्ट्रीज़ पर अप्रोच और मंडे के लिए अप्रोच करेगी देखिए वीरू एक चीज़ बहुत क्लियर है आज सुबह की जो अप्रोच थी उसने काम किया कि प्रॉफिट बुक करिए चौबीस पर पहली बार हफ्ते में हम जो अब तक का ट्रेंड है उसके उलट कर रहे हैं अब तक क्या ट्रेंड था पहले 15 मिनट में डेलो बन रहा था और हम डे हाई पर बंद हो रहे थे आज क्या हुआ है आज पहले पंद्रह मिनट में हाई बनाए और हम डे लो पर बंद हो रहे हैं ये इन चीज़ों में कुछ मैसेज छुपा होता है मार्केट का न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाए मार्केट इस मार्केट में शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं मार्केट में क्योंकि मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉग है आ, लेकिन निफ्टी की करंट स्विंग अब पूरी हो चुकी है इसमें बस एक चीज़ हो जाएगी आज अभी भी हमने जो लो बनाया वो कल के लो से काफ़ी ऊपर है कल का लो तेईस आठ समथिंग था आज तेईस नौ सौ पिचासी है तो उस हिसाब से लो तो बेटर है लेकिन मंडे को अब आज का लो ब्रीच हो सकता है क्योंकि आज हम लो पे बंद हो रहे हैं तो इसके लिए मंडे को अगर हल्का सा भी गैप डाउन हो गया तो आज का लो ब्रेक हो जाएगा इसके लिए एक स्विंग पूरी हो चुकी है इस हफ्ते आपने अच्छा पैसा बनाया उसको इंजॉय करिए दोबारा एंट्री करने के लिए अब मार्केट में थोड़े सिग्निफिकेंट डिप की ज़रूरत है बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा कि 500 से हज़ार पॉइंट की डिप की जरूरत है निफ्टी में एंट्री के लिए 200 से 250 पॉइंट की डिप की ज़रूरत है तेईस आठ सौ के करीब मिल जाएगा निफ्टी इक्यावन पाँच सौ इक्यावन छः सौ के करीब मिल जाए बैंक निफ्टी तो वापस एक एंट्री बनेगी अदरवाइज जिस तरीके की एफ की लॉन्ग पोजिशनिंग है और जिस तरीके का पुटकॉल रेशो है मार्केट इतनी आसानी से अब ये जो अब जो, जो लोग चेज़ कर रहे हैं ना इस मार्केट को हाइएस्ट लेवल पर जो एकदम शुरू में शॉर्ट थे अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो आगे लॉन्ग हो गए या फिर जो अब पुट पुट राइटिंग अब इस लेवल पर अगर आप आगे कर रहे हैं तो मार्केट इतनी जल्दी से आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा तो थोड़ा सा मार्केट आपको तंग करेगा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंसोलिडेशन होगी उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगा लेकिन ये स्विंग पूरी हो चुकी है और कोई पोजिशन घर लेके जाने की जरूरत नहीं है मैच देखिए आराम से एंजॉय करिए और मंडे को आके फ्रेश पोजिशन लीजिए <laughs> जब और ईश्वर करे जब मंडे